अभी हम जा रहे हैं मोहम्मद बिन कासिम मस्जिद, वो सामने टकरी पे आप देख रहे हैं मस्जिद है ये चोटी पे। अजीद करीब जाके दिखाते हैं आपको, घुमाते हैं। ये जो है ना सेकंड पार्ट भी मस्जिद का है जहाँ हम खड़े हुए हैं, लेकिन शायद बारिशों वगैरह की वजह से और काफ़ी पुरानी मस्जिद है और मट्टी के ऊपर बनी हुई है, तो इसलिए जो है ना बीच से जो है उसमें एक खड्डा बन गया है पानी की वजह से, पानी की लहरें अगर आती रहती हैं ना उसकी वजह से। काफ़ी नीचे मतलब कि अब देखो ना हम आ गए हैं मस्जिद, पहले आने कि इतना सरफेस हुआ करता धरती का, अब काफ़ी नीचे आ गया है सरफेस लेवल। तो खैर पानी भी कोई खास किस्म ड्रेन सिस्टम भी नहीं है। हाँ वो पहले जो है ना सिंधु काफ़ी बड़ा हुआ करता, शायद डिजास्टर यहाँ तक भी आया करते थे। हाँ तो वो हिसाब से क्योंकि पहले तो बंद वगैरह नहीं था जो नहीं। सिस्टम होता है रस्तों का। अच्छा ये पहले मेन गेट वो हुआ करता था। और ये हमारी मेहरबान जो हमें लेके आई यहाँ पे इस टूर पे ये भी इसकी बड़ी मेहरबानी लेके आई। हाँ हाँ भाई पहले हुआ करता था बंदे पैदल घूमते थे या घोड़ों पे, अब तो इनके सिवा गुजारा ही नहीं है भाई। मेन ट्रेंस जो है ना ये हुआ करते थे के बाद और के बाद जो है ना यहाँ पे जो उसके नीचे काफ़ी नीचे दब गई, उस वजह से जो है ना इसका रूट चेंज करके जो है ना मेन गेट वहाँ पे रखा गया है। और ये पूरा मट्टी और इसकी दीवारें वगैरह भी थी शायद वो अब ख़त्म हो चुकी हैं या फिर शायद नहीं, हमें इस बारे में कौन सी खास नहीं, लेकिन वैसे ही अंदर अंदर के मंदिर बंद हो गया, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना मुसल्ले वगैरह और दूसरी खड़ी हुई हैं। और इसके अलावा जो है ना ये देखिए आप कंस्ट्रक्शन ये जो है ना ये बाद में हुई है, ये हो गए या वो साइड में हो गए ऊपर वाली छत वो तकरीबन ख़त्म हो गई है, लेकिन दो या तीन चीज़ें ऐसी हैं निशानियाँ जो कि अभी बाकी हैं उस ज़माने की, उनमें से जो आपका ये सबसे पहले नंबर वाली जगह है और ये फ्रंट साइड वो अभी तक जो है ना वही सेम है और एंट्रेंस गेट, बाकी ओवरऑल जो है ना इनकी कंस्ट्रक्शन की हुई है। यहाँ से शायद पूरे का पूरा ज़ाहिर है आप देख सकते हैं भाई साइड लगाना बोलते हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है कि जब जो है ना मोहम्मद बिन कासिम सिंध फतह की थी तो सबसे पहले उन्होंने जो है ना एक कैपिटल सिटी था सिंध का अलोड नाम था तब, अब तो अलोड हो गया बाद में, यहाँ पे पहली पहली मस्जिद ये बनवाई थी, उसके बाद बेदल में बनाई थी कराची में और नेरूनकोट हैदराबाद में मस्जिद बनाई थी मुल्तान में और सेवरन में। अच्छा आ गया ना भाई ये भी उस टाइम की डिज़ाइन बनी हुई है ऊपर लगा ना, लेकिन ये दीवार नहीं है अभी की, तकरीबन मस्मार हो चुकी है मस्जिद तकरीबन, ये साइड में मस्जिद बनाई हुई है बिल्कुल ही फ्रंट में, शायद ये मोहम्मद बिन कासिम जो अभी की मस्जिद है वो यही है रिकंस्ट्रक्शन के बाद। और वहाँ पे भी अभी लिखा हुआ था ना कि माशाल्लाह ये मस्जिद भी जो है ना लोकल लोगों ने बनाई हुई है अपनी तारीख को की बका रखने के लिए कि भाई तारीख सब कोई भूल ना जाए, सबको याद रहे तारीख के बारे में, हिस्ट्री को यादगार बनाने के लिए लोकल लोगों ने बनाई हुई है मस्जिद मोहम्मद बिन कासिम अरोड़ तालका रोड़ी डिस्ट्रिक्ट सखर। इट इज हिस्टोरिकल फैक्ट दैट मोहम्मद बिन कासिम डिफीटेड राजा ड्रायर द देन रूलर ऑफ सिंध एंड कंक्वेरेड इट ऑन 10th ऑफ होली मंथ ऑफ रमजान 93 ऑफ हिज हिजरी। ऑथर्स ऑफ फेमस एंड ऑथेंटिक बुक्स टाइटल्ड फतेहनामा सिंध जिसे हम चचनामा कहते हैं, वो लिखा भी है मेंशन किया हुआ है चचनामा एंड जन्नतुस सिंध रिवील दैट द मुस्लिम कंक्वेरर बिल्ट मास्क आफ्टर कंक्विस्ट ऑफ सिंध इन मिक्स सिटीज
डेबल नियर कराची नेरून कोट जो कि अभी हैदराबाद है मेंशन किया हुआ है सेविस्तान अरोड मुल्तान सेविस्तान आई थिंक सेवन शरीफ के बारे में मुल्तान द शमसद उल्मा मिर्ज़ा कलीज बैग राइट्स दैट अरोड अच्छा पहले अरोड शहर का नाम जो था ना अलोर शहर था अरोड नहीं था पहले अलोर शहर था बाद में अरोड हुआ अच्छा अरोड वाज कैपिटल ऑफ सिंध अप टू 125 आफ्टर हिजरी एंड देन मंसूरा बिकेम इट्स सेकेंड कैपिटल इट इज़ ऑल्सो स्टेटेड इन द हिस्टोरिकल बुक्स दैट देयर इज़ अ मॉस्क इन अरोड बिल्ट बाय मोहम्मद बिन कासिम इट्स एंड इट्स रुइंस आर स्टिल प्रेजेंट देयर अच्छा देयर आर ऑल्सो अपीलिंग टू रिकन्स्ट्रक्ट इट